नमस्कार, आपका इस सीरीज में स्वागत है। ये यूईआर का 2 का बहादुरगढ़ स्पर्श। मिलते हैं, बने रहिए। ये पहुंच गए हम नागलोई का मेट्रो स्टेशन। ये सामने आ गया है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सामने सामने जाता है बहादुरगढ़ और बैक साइड में हमारे जाता है आपका यूईआर 2 का जो हाईवे है, वो यहाँ से आते हुए उसके बाद आप जैसे देख सकेंगे यहाँ इन दोनों पिलर्स के बीच में से निकलते हुए वहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा। इधर यहाँ से एग्जिट 1 और दूसरा एग्जिट उस तरफ से बनने वाला है। तो ये लेफ्ट साइड में ये जा रही है यूईआर, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं बहादुरगढ़ का स्पर। तो बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर होने वाला है यहाँ पर, और दिखाते हैं आपको। अभी हम पहुँच गए हैं राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन। तो हमने यहाँ से ले लिया है आपका यूईआर 2, जो कि पैकेज 3 की तरफ जाता है, बकरवाला एंड द्वारका एंड यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। लास्ट वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, जो कि मैंने बताया आपको उस तरफ से कनेक्ट करेगा पिलर, तो ये इस बिल्डिंग के उस साइड से पिलर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जोरों शोरों से ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वगैरह, साइड लेन वगैरह, सारा कुछ पिलर्स वगैरह का कैपिंग का काम हो चुका है। तो ये अपने फाइनल अपडेट में अभी बाकी है। इस वीडियो में मैंने आपको 1 महीना पहले जब दिखाया था तो यहाँ पर ग्राउंड वर्क चल रहा था, अभी भी वही स्टेटस है। धूल ही धूल, धूल ही धूल। बहरहाल मौसम आज अच्छा हो रहा है मई मंथ में। और यहाँ पर हॉट टॉप हो चुका है, थोड़ा सा फाइनल टच वगैरह बाकी है। मेरे ख्याल से ये वाला जो है ये टोटली यहाँ से हम आपको दिखाते हैं बहादुरगढ़ स्पर की तरफ ले जाते हुए, और उसके बाद आपको आगे ले जाकर के दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई लोग, ये यहाँ पर सर्विस लेन होने वाली है, जो कि काफी एक तरीके से तैयार भी है, और थोड़ा सा यहाँ पर फाइनल टचअप वगैरह होना बाकी है। और सीधा सीधा आप जा सकते हैं गुड़गांव की तरफ। सड़क बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जोन है, तो हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं जितना दिखा पाए आज। और खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी, तो यहाँ से आज देखते हैं पता नहीं कितना दिखेगा, मगर पूछते हैं लोगों से और उसके बाद बताते हैं आपको, दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए हमारा बहादुरगढ़ स्पर शुरू हो जाता है, और यहाँ से अभी ये जो टचअप है, जो कनेक्टिंग रोड है, ये बन रही है, और उसके बाद से आपका बहादुरगढ़ स्पर सीधा सीधा यहाँ से 7 किलोमीटर का आगे काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं जितना हम दिखा पाएंगे आपको।
तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़िया कनेक्टर दिख रहा है सामने सामने, तो ये जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का था वहीं पर ही थोड़ा सा कनेक्टिंग वाली कुछ कॉलम दिखी या कंस्ट्रक्शन दिखी, और उसके बाद सीधा आपको दिख रहा है ये यहाँ पर इंटरसेक्शन बन रहा है, और ये इंटरसेक्शन ऑलमोस्ट इसका ग्राउंड वर्क हो चुका है और काफ़ी बढ़िया पैमाने पर ये इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा आगे। तो ये हमारा बहादुरगढ़ जो आपका क्या कहते हैं इसे UER2 का इंटरसेक्शन काफ़ी बढ़िया स्केल पे बन रहा है, और आने वाले टाइम में यहाँ से आप 5 मिनट में सीधा सीधा बहादुरगढ़ पहुँच जाएंगे। मल्टीपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल इंटरचेंजेस एक्सचेंजेस जो कि ऑलमोस्ट जिसका पियर वर्क और कैप वर्क और सारा कुछ हो चुका है, अब सिर्फ इसमें ब्लैक टॉप स्ट्रीट लाइट्स साउंड प्रूफ बैरियर्स ये सभी लगते हैं। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और उसके बाद हम ब्लैक टॉप भी लग चुका है, तो सिर्फ इंटरचेंज के आसपास जो है वो ही अभी थोड़ा सा काम होना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट ये तैयार है, कनेक्ट कर दिया है, और जो कि ऑलमोस्ट 80 की स्पीड से यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इंटरचेंज में बहुत अभी थोड़ा सा काम बाकी है, और उसके आगे का अगर आप हाईवे देखेंगे ये पूरा ग्रीन फील्ड जो ऑलमोस्ट तैयार, जो हमने प्रॉब्लम देखी वो सिर्फ पहले की तरफ थी, पीछे की तरफ थी जो इंटरचेंज के आसपास है, और अब आगे आपको साइन बोर्ड दिखने वाले हैं, दिखाते हैं। साइन बोर्ड राइट साइड वाली लेन अभी भी बंद करी हुई है, मगर ये वाला जो आपको दिख रहा होगा रोहतक 53 बहादुरगढ़ 7 किलोमीटर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप इसकी स्पीड के हिसाब से, उसके बाद हिसार यहाँ से 152 किलोमीटर। तो बाकी का हिस्सा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और ये ऑलमोस्ट पूरा तैयार है, यहाँ से ऑपरेशनल है, 7 किलोमीटर हम बहादुरगढ़ पहुँच जाते हैं, सिर्फ इंटरचेंज जो था इंटरचेंज वहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है, और उसके बाद मिलते हैं आगे। तो हम अब सीधा सीधा बहादुरगढ़ इस बार की तरफ चलते हुए, सड़कों में गड्ढे काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद क्योंकि अभी अर्थ वर्क यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद अभी यहाँ पर फाइनल जो है ब्लैक टॉप का काम होने वाला है, तो फिलहाल हम आपको ले जाएंगे बहादुरगढ़ का जितना भी कंप्लीट हो चुका है सेक्शन, बहादुरगढ़ स्पर का जितना भी कंप्लीट हो चुका है सेक्शन, यहाँ आकर के इसकी स्पीड लिमिट 100 होने वाली है, बट अभी भी हम इसको आराम से चलाएंगे क्योंकि कहीं कहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन जोन है, और सीधा सीधा चलते हुए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और लास्ट में दिखाते हैं बहादुरगढ़ एंटर करने के आसपास कैसा रहेगा। यहाँ से आपका एक दूसरा हाईवे जो कि चरोदा कला की तरफ, टीकरी कला की तरफ निकल जाएगा एग्जिट 1 किलोमीटर अहेड से, और इसके साथ साथ एक सर्विस लेन भी दी हुई है जो ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, बट ठीक है, उसमें एग्जिट एंट्री वगैरह दिया हुआ है, और उसके साथ साथ साइकिल लेन और वॉकिंग लेन भी दी हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त तरीके से हाईवे बनाया गया है, पूरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा गया है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ से ये हाईवे बंद किया गया है, रीज़न अननोन, बट अब हमको वापस यू टर्न लेना पड़ेगा, और उसके बाद देखते हैं कि क्या है आगे। बट ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चलने के बाद ये अभी बंद है, और अब हम यहाँ से एग्जिट लेकर के देखते हैं रास्ता कहाँ जा रहा है, बहादुरगढ़ की तरफ जाता है, मगर रोड तो कंस्ट्रक्टेड दिख रही है बट रास्ता बंद है। देखा अभी हाईवे बना तो हुआ है, सिर्फ इंटरचेंज UER में कुछ प्रॉब्लम है,
और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ किसान आंदोलन की वजह से बंद किया हुआ है, क्योंकि हाईवे तो बिल्कुल कंप्लीट है। और इसी बीच आप ये भी बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, आपको वीडियो कैसी लगी, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है इसकी बदौलत। तो ये सब इम्प्रूवमेंट के तरीके मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपको बढ़िया क्वालिटी और विजुअल्स वगैरह दिखाया जाए। और उसके बाद भी आप बताइए कि कैसा हमारा और चल रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे दिखाऊंगा, जो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, बने रहिए। 3 घंटे में दिल्ली टू देहरादून उसका काम दिखाएंगे कितना हो चुका है। बहुत 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 शुक्रिया। मेन बढ़िया। हाईवे से हमने एग्जिट लेते हुए उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ तक पहुँचे, कहाँ जा रहे हैं। जा तो बादल बढ़ रहे हैं, मगर दिखाते हैं आपको। लेफ्ट साइड जाएंगे तो झड़ौदा कला और सीधा सीधा जाएंगे तो सोनीपत। पर कुछ लोग काम करते हुए, सफाई पेंट वगैरह फाइनल टचअप लगाते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा कुछ टाइम में। यहाँ से हम हाईवे के नीचे नीचे से आ गए हैं और उसके बाद सीधा सीधा वापस दोबारा सोनीपत, सॉरी बहादुरगढ़ वाले स्पर में चढ़ जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आगे तैयार है या नहीं। तो यहाँ से अब हमें चंडीगढ़ का रास्ता दिखा रहा है 268 किलोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट फाइनल फाइनल टचअप हो गया है UER2 का बहादुरगढ़ स्पर, जो बहादुरगढ़ की तरफ हमें ले आया है। और उसके बाद अब हम मेन शहर में एंटर करने के लिए हमें 1 किलोमीटर रहता है। तो ये हमारी आज की यात्रा बहादुरगढ़ स्पर की। आप बताइए हमें कैसा लगा, कुछ और देखना चाहेंगे इस तरफ तो हमें बताइए। बहादुरगढ़ स्पर UER2 रेडी टू लॉन्च mid-July। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरसेक्शन पे, यूईआर के इंटरसेक्शन में और बहादुरगढ़ के इंटरसेक्शन पे यहाँ पर थोड़ा सा काम चलता हुआ, जिसको 1-1.5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे एंट्री में था, एग्जिट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हल्का फुल्का काम चलते हुए। जो ब्यूटीफुल सा हाईवे दिख रहा है, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल। और अभी हम जा रहे हैं